हेलो एवरीवन, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आप सबके साथ डिस्कस करना चाहूंगा और वह टॉपिक है मेरा इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे डेवलप हुआ और किस दिशा में क्रिकेट आगे बढ़ा दोनों ही देशों में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अनडिवाइडेड इंडिया में ब्रिटिश रेजिम क्रिकेट लाई इंडिया में और सबसे पहले पारसीज ने क्रिकेट गेम को एडॉप्ट किया, फिर धीरे धीरे यह गेम और भी कम्युनिटीज में गया और ग्रेजुअली यह अनडिवाइडेड इंडिया में पॉपुलर स्पोर्ट बन गया। लेकिन 1947 में पार्टीशन हुआ और इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो नेशन आए विश्व पटल पर। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों में क्रिकेट की ऑब्सेशन बहुत ही ज्यादा है। दोनों ही देशों में लोग क्रिकेट के लिए इतने पागल हैं कि ऑफिस से छुट्टी भी ले लेते हैं क्रिकेट मैच के लिए। और एक आयरनी भी है दोनों देशों में और वो है हॉकी। दोनों का ही नेशनल गेम है और दोनों का हॉकी में ग्लोरियस पास रहा है, लेकिन क्रिकेट आज की डेट में ज्यादा पॉपुलर है। भले ही कहने को हॉकी नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट की कहानी में भी दो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जहां पर ये दो देश स्टैंड करते हैं। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस बताता हूं दोनों की आमने सामने की जो अब तक फेसिंग्स हुई है। टेस्ट और वनडे मैचेस में पाकिस्तान क्लियरली डोमिनेट करता है इंडिया को विंस के मामले में, क्योंकि पाकिस्तान ज्यादा बार जीता है इंडिया से दोनों ही फॉर्मेट्स में। लेकिन T20s में कहानी उल्टी है, वहां इंडिया पाकिस्तान को डोमिनेट करता है, यानी कि इंडिया ने पाकिस्तान को ज्यादा बार हराया है। वनडे में भले ही पाकिस्तान डोमिनेट करता हो इंडिया को विंस में, लेकिन वर्ल्ड कप एनकाउंटर्स अगर आप देखेंगे तो वहां पर इंडिया पाकिस्तान को डोमिनेट करता है, क्योंकि पाकिस्तान आज तक एक बार भी इंडिया को नहीं हरा पाया है वर्ल्ड कप्स में। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में अपोजिट है, पाकिस्तान ने 3 बार हराया है भारत को, जबकि भारत 2 बार हरा पाया पाकिस्तान को। चलिए ये तो थी एक अलग डायमेंशन। अब हम शुरू करते हैं दोनों किस चीज के लिए मशहूर हैं। इंडिया फेमस रहा है अपने बैट्समैन के लिए, जिन्हें आजकल बैटर्स कहा जाता है, और पाकिस्तान रहा है फेमस शुरू से ही अपने बॉलर्स के लिए। बॉलर्स चाहे फास्ट बॉलर्स हो या स्पिनर्स हो, पाकिस्तान अपनी बॉलिंग के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और इंडिया अपनी बैटिंग के लिए जाना जाता है, अपने साउंड टेक्निक वाले बैट्समैन के लिए। आजकल तो फ्लेयर वाले बैट्समैन भी आ गए, जो कि ऐसे आते ही पावर शॉट्स मारते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा शॉट्स के, ऊपर कट, कभी रिवर्स स्वीप, कभी स्वीप, कभी ऐसे रिस्ट शॉट्स, ये सब शॉट्स बहुत मारते हैं इंडियन बैट्समैन। और पाकिस्तानी बॉलर्स की स्पीड बहुत घातक होती है, स्पिन भी पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत अच्छी कराते हैं। लेकिन इसका मतलब यह ना कि इंडिया सिर्फ बैटिंग पर ध्यान दे, इंडिया के पास स्पिनर्स बहुत अच्छे रहे हैं क्वालिटी, और पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलर्स अच्छे रहे हैं शुरू से ही। मैंने स्पिनर्स का बताया था, लेकिन फास्ट बॉलर्स को बहुत ही हाई क्वालिटी के रहे शुरू से, और इंडिया के पास रहे हैं क्वालिटी स्पिनर्स और बैट्समैनों में। मैंने कहा ना इंडिया बैटिंग में स्ट्रांग है, अगर मैंने जहां तक अपनी रिसर्च करी है इंटरनेट के ऊपर कि इंडिया के पास रहे हैं टेक्निक वाले बैट्समैन से, जो डिफेंस जिनका सॉलिड है और जो लॉन्ग फॉर्मेट्स के बैट्समैन रहे हमेशा, जो लंबे फॉर्मेट खेल सकते हैं, और पाकिस्तान के पास रहे हैं पावर हिटर्स और एग्रेसिव बैट्समैन जो कि शॉर्ट फॉर्मेट्स खेल सकते हैं। यह ट्रेंड रहा है दोनों का। इंडिया के पास शुरू से ही अच्छे बैट्समैन रहे, चाहे आप मंसूर अली खान पटौदी ले लीजिए, सुनील गावस्कर ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर ले लीजिए, दिलीप वेंगसरकर ले लीजिए, आगे सौरव गांगुली आए, राहुल द्रविड़ आए, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर जिनको त्रिदेव भी कहा जाता है, वीरेंद्र सहवाग जैसे एग्रेसिव बैट्समैन भी आए हैं, और आज की डेट में तो सभी को पता है रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन, एंड टेस्ट्स में चेतेश्वर पुजारा जैसा बैट्समैन हमारे पास, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, ये सब अच्छे बैट्समैन है हमारे पास। और अगर ऑलराउंडर्स को भी काउंट करें तो युवराज सिंह एंड सुरेश रैना सॉरी बैट्समैन है, वो एग्रेसिव है बाय नेचर बैटिंग, एंड युवराज सिंह एक मार्वलस ऑलराउंडर, रविंद्र जडेजा एक अच्छे बैट्समैन है, कपिल देव सिक्सेस मारने के लिए बहुत फेमस रहे हैं, और स्पिन
इंडिया का शुरू से ही अच्छा रहा है। मैंने बताया ना, बॉलिंग डिपार्टमेंट पाकिस्तान का भले अच्छा था, लेकिन इंडिया के पास भी क्वालिटी स्पिनर्स थे, इंडिया की स्पिन बहुत अच्छी रही है। मैं यहाँ कहीं ना कहीं कहना चाहूंगा, थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा सा एज करते हैं इंडियन स्पिनर्स शुरू से अगर लिया जाए तो। हमारा जो स्पिन क्वाड्रेट रहा है, बिशन सिंह बेदी, भागवत चंद्रशेखर, ईरापल्ली प्रसन्ना, एस वेंगटरागन, इनको खेलना बहुत मुश्किल होता था, खास तौर से सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पर। तो इनको खेल गए तो समझो आप बादशाह हो। और आगे भी अच्छे स्पिनर्स आए हमारे पास, जैसे अनिल कुंबले जिन्हें जम्बो कहा जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ एक इनिंग्स में उसके 10 के 10 बैट्समैन को डिसमिस करने का रिकॉर्ड अनिल कुंबले के नाम है। 1999 में अनिल कुंबले ने रिकॉर्ड बनाया था, बस इस पाकिस्तानी से भी कमाल माना जाएगा। फिर आगे भी हमारे पास अच्छे स्पिनर्स आए, जैसे हरभजन सिंह अच्छे स्पिनर आए, मुरली कार्तिक भी बीच में आए थे, आजकल रविचंद्रन अश्विन अच्छे स्पिनर हैं, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, और अगर ऑलराउंडर्स को भी इंक्लूड कर लूँ तो रविंद्र जडेजा अच्छे स्पिनर आज क्रिकेट में, पहले युवराज सिंह अच्छे स्पिनर हुआ करते थे, और भी बहुत अच्छे स्पिनर्स हुआ करते थे, यूसुफ पठान भी एक हैंडी स्पिनर हुआ करते थे अपने टाइम के। फास्ट बॉलर्स जहां तक मैंने कहा पाकिस्तान के पास रही है जो सही क्वालिटी, इंडिया वहां नहीं इतना पहुंचा है पाकिस्तान तक, लेकिन इंडिया के पास भी फास्ट बॉलर्स थे कुछ जिनको मैं बताना चाहूंगा अच्छे आए हैं, जैसे अजीत अगरकर, जुआगल श्रीनाथ, कपिल देव, ही वाज अ मार्वेलस फास्ट बॉलर ऑफ दिस टाइम एंड आज की डेट में तो। लेकिन फास्ट बॉलर्स पर इंडिया बहुत ध्यान दे रहा है, तो इसलिए मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है हमारे पास, उमेश यादव है टेस्ट के लिए, ईशान शर्मा टेस्ट के लिए अच्छे हैं हमारे पास, एंड मोहम्मद सिराज अच्छे फास्ट बॉलर्स है। फास्ट बॉलर्स की बहुत भी इंडिया में तैयार हो रही है, तो इंडिया क्रिकेट मेनली रहा है बैट्समैन ओरिएंटेड, बैटिंग, यहाँ बैटिंग को प्रेफर करते हैं, मेनली बैटिंग डोमिनेट रहा है। लेकिन बॉलर्स में अगर देखा जाए कहाँ बेटर रहा है इंडिया, स्पिनर्स में इंडिया माशाल्लाह रहा है शुरू से। फास्ट बॉलर्स भी कुछ अच्छे आए हैं, लेकिन वो बातें जो पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स में है, पाकिस्तान तो शुरू से ही फास्ट बॉलर्स के लिए जाना जाता है, जैसे आप जानते हो कि आप फजल महमूद, फिर सरफराज नवाज आते हैं अच्छे फास्ट बॉलर, जिनको रिवर्स स्विंग का वो कहा जाता है, पायनियर, फिर आकिब जावेद रहे हैं, बाद में वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, क्या कहने इन फास्ट बॉलर्स के, फिर उमर गुल, सोहेल तनवीर जो कि पर्पल कैप जीते थे आईपीएल में, फिर मोहम्मद आमिर आए, हसन अली, शाहीन अफरीदी, ये सब अच्छे फास्ट बॉलर्स आज की डेट में। हसन अली, शाहीन अफरीदी खेलना कोई आसान बात नहीं है, और ऑलराउंडर्स को मिला लो तो इमरान खान भी बहुत अच्छा फास्ट बॉलर था अपने टाइम का, ही वॉज ऑल्सो अ लेजेंड इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग। अब हम आते हैं पाकिस्तान के पास भी कुछ अच्छे स्पिनर्स रहे हैं। मैंने बताया ना पाकिस्तान बॉलिंग के लिए शुरू से जाना जाता है, लेकिन स्पिन में थोड़ा सा इंडिया से नीचे रहे पाकिस्तान स्पिनर्स। पाकिस्तान पास अच्छे रहे कौन कौन, अब्दुल कादिर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक जिन्हें दूसरा का पायनियर माना जाता है, सईद अजमल, दानिश कनेरिया, और शाहिद अफरीदी भी अच्छे स्पिनर थे अपने टाइम के। अफरीदी बहुत अच्छी गोली डालते थे, ये तो बात माननी पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि आज कहां खड़े हैं दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड्स। बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है आज की डेट में, तो बीसीसीआई के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है आज की डेट में, और इंडियन क्रिकेट टीम का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले काफी अच्छा हुआ है। ओवरसीज में जाए तो ऑस्ट्रेलिया को उसके बैकयार्ड में टेस्ट सीरीज हरा के आए, इंग्लैंड को उसके बैकयार्ड में भी 2-1 से पीछे किया हुआ है, साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैचेस जीते हैं 2018 में विराट कोहली कप्तानी में, 2019 में भी एक टेस्ट मैच विराट कोहली, अभी 2021 में होगा सॉरी वो द्वारा भी एक टेस्ट मैच तो जीत के आए हैं। सेना कंट्रीज में एमएस धोनी ने भी हालांकि एक बार ड्रॉ कराई थी सीरीज, और न्यूजीलैंड के घर में एमएस धोनी ने भी हराया है, लेकिन अब इंडिया किसी भी टीम को किसी भी बैकयार्ड में जाके हरा सकती है, चाहे वो सेना कंट्रीज हो या वेस्ट इंडीज हो या श्रीलंका और पाकिस्तान हो। कभी श्रीलंका और पाकिस्तान को भी इसके बैकयार्ड में रहना इंडिया के लिए आसान टास्क नहीं था, लेकिन एमएस धोनी के टेन्योर से जो ये शुरू है ना डर निकालने वाला प्रोग्राम, वो प्रोग्राम आज तक चल रहा है। बीसीसीआई के पास मनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, नए नए प्लेयर्स की ग्रूमिंग बहुत आराम से हो रही है। आईपीएल ने तो हमारा काम और आसान कर दिया, पीसीबी के पास फाइनेंशियल स्कार्सिटी बहुत है, तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहीं ना कहीं लैक करता है अच्छे प्लेयर्स में, ग्रूमिंग में। आज की डेट में
पाकिस्तानी क्रिकेट कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता है इंडियन क्रिकेट के आगे, तो यही नतीजा कि पाकिस्तानी टीम स्ट्रगल करती है ओवरसीज में। पाकिस्तानी टीम नो डाउट पाकिस्तान के पास टैलेंट अच्छा है, लेकिन वो बात नहीं है जो कभी हुआ करती थी। लेकिन अपने अपने स्ट्रॉन्ग फ्रंट्स दोनों देशों ने नहीं छोड़े इस सबके बावजूद। और अगर पास्ट देखा जाए तो पाकिस्तान बेटर था इंडिया से ओवरसीज टूर्स में। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज जाके पाकिस्तान ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता था एज कम्पेयर टू इंडिया। भले ही पाकिस्तान भी वहां पिट के आ जाता था सीरीज में, हार के जरूर आ जाता था, लेकिन इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस देता था क्योंकि इसके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे थे। लेकिन आज की डेट में अपोजिट है, इंडिया बेटर परफॉर्म करता है। और आप सोचोगे जब इंडिया अच्छी टीम है, हम लोगों को इतनी आदत ही ना देखने की कि पाकिस्तान हमसे कम जीता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि पाकिस्तान पहले कैसे इंडिया को हरा देता था आसानी से। उसका मेन रीजन एक तो फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के अच्छे हुआ करते थे, और पाकिस्तान के पास लिमिटेड फॉर्मेट में एग्रेसिव बैट्समैन ज्यादा अच्छे होते थे, जैसे ज़हीर अब्बास ले लीजिए आप, सईद अनवर, मियादाद अच्छे हिटर थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। नो डाउट मैं जितने भी क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ एज अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, नॉट एज अ पर्सनल लाइफ। मैं जानता हूँ बहुत से क्रिकेटर्स पर्सनल लाइफ में अच्छे इंसान नहीं है, गलत कहानियां जुड़ी हुई बहुत से क्रिकेटर्स के साथ दोनों ही देशों के, एज अ क्रिकेटर मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और यूएई में खेले इंडिया पाकिस्तान ने बहुत से मैच 90s के क्रिकेट में, और पाकिस्तान को वहां डिफीट करना बहुत हार्ड काम है यूएई में। आज भी भले ही टीम इतने अच्छे फेज में नहीं है, लेकिन यूएई में आज भी नहीं हरा सकते आप पाकिस्तान को। 1990s में हमने मैच ही ज्यादा यूएई में खेले हैं, तो जाहिर सी बात है यूएई में पाकिस्तान क्लियरली डोमिनेट करता था इंडिया को। और 1980s के बाद से ही थोड़ा सा पाकिस्तान का डोमिनेंस ज्यादा हो गया था लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, वहां पाकिस्तान ने ज्यादा थ्रैश किया था 2000s के डिकेड्स तक। लेकिन 2000 के बाद इंडिया ने वो मार्जिन को कम करना शुरू किया, लेकिन टेस्ट में दोनों के बीच शुरू से ही नील बाइटर्स रहे हैं। पाकिस्तान पर स्लाइट मार्जिन से आ गया और T20 आ गया, तो इंडियन बैट्समैनों ने जो डेवलपमेंट खाई, बैटिंग हमारी शुरू से ताकत है, तो वहां पाकिस्तान आगे नहीं टिक पाया T20 में। मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि दोनों ही कंट्रीज के पास अच्छा टैलेंट है, पोटेंशियल अच्छा है, BCCI के पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और लोअर लेवल पे बहुत ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स खेली जाती है इलेक्शन में। मतलब जो प्रतिभाएं होती है उन्हें मौका नहीं मिल पाता, जो सिफारिशी तंत्र है उनको मौका मिल पाता है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ा सिलेक्शन साफ है, लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल पे हालात सुधारने की बहुत जरूरत है, तभी दूसरे देशों के लिए खेलते हैं जाकर क्रिकेटर्स। और पॉपुलेशन इतनी ज्यादा और फेयरनेस नहीं है सिलेक्शन में। पाकिस्तान में भी सेम कहानी है, ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है, वही सेम प्रॉब्लम्स जो मैंने इंडिया की कही है, वही करप्शन बहुत ज्यादा होता है, बोलबाला, नेपोटिज्म। पाकिस्तान में थोड़ा ज्यादा रहा है कि नेपोटिज्म का प्रॉब्लम, कि जैसे बाप बेटे भाई बंधु पाकिस्तान में ज्यादा खेले हैं, जैसे मोइन खान का बेटा आजम खान है, हनीफ मोहम्मद की 2-3 जनरेशन खेली है क्रिकेट, ये अकमल ब्रदर्स खेले हैं। पाकिस्तान में थोड़ी ज्यादा दिक्कत है। मैं नहीं कहता कि जितने भी ये भाई बंधु खेले हैं उनमें टैलेंट नहीं है, टैलेंट है, कईयों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जैसे हनीफ मोहम्मद की फैमिली ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन जो समस्याएं आती हैं दोनों ही देशों को उसको सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों के जो प्रतिभाशाली क्रिकेटर है वो करप्ट सिस्टम की वजह से दूसरे देशों के लिए खेलना शुरू कर देंगे। आप साउथ अफ्रीका जाइए, वहां पर भी आपको इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मिलेंगे, इंग्लैंड में भी मिलेंगे इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेंगे इंडियन और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, और न्यूजीलैंड में भी। इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स चाहते हैं कि उनकी प्रतिभा सामने आए, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों में स्पोर्ट्स को उतना बढ़ावा नहीं दिया जाता ग्राउंड लेवल पे, ना इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्राउंड लेवल पे, वो तो टैलेंट के दम पे है खुद। और मैं एक राज की बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के फास्ट बॉलर बनने में उनका उनके फिजिक का अहम है। आपने देखा होंगे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का शरीर कितना फटा फटा फौलादी होता है, फास्ट बॉलिंग में बहुत हेल्प करता है शरीर। और इंडियन क्रिकेटर्स के पास ये माइंड अच्छा है जो कि उन्हें बैटिंग में हेल्प करता है, और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ये रिस्क की कला भी अच्छी रही है स्पिन। हालांकि इंडियन क्रिकेटर्स का को मौसम ने अच्छा स्पिन करना है, क्योंकि इंडिया का वेदर ऐसा है कि यहाँ स्पिन करनी सीख ही जाते हैं अपना विरासत में मिली है, और उनको मिला है शरीर की वजह से एग्रेसिव बैटिंग की ताकत। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट का, प्लीज बताइएगा इस पर कमेंट करके। थैंक यू।